राहत इंदौरी का एक शेर है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर वंजर सब। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं अनस। कहते हैं इश्क लोगों को जीना सिखा देता है, भटकों को रास्ते पर ले आता है। तो आज इस खास पेशकश में आज हम आपसे दिल की ही बात करने आए हैं, जरा बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको बिहार के एक ऐसे ही बाहुबली की लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस बाहुबली को जब प्यार हुआ था वो सब कुछ छोड़कर अपने प्रेम के पीछे चल पड़ा था। हम बात कर रहे हैं सांसद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत की, जिनकी प्रेम कहानी पूरी फिल्मी है। ये उस वक्त की बात है जब पटना की बांकीपुर जेल में पप्पू यादव बंद थे और वो अक्सर जेल अधीक्षक के घर से लगे मैदान में लड़कों का खेल देखा करते थे। इन लड़कों में सांसद रंजीत के छोटे भाई विक्की भी थे। इसी दौरान विक्की से पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने उनको अपनी फैमिली एल्बम दिखाई, उसमें उनकी बहन रंजीत की टेनिस खेलती एक तस्वीर थी। अपनी बायोग्राफी द्रोहकाल का पथिक में पप्पू यादव ने अपने प्रेम के बारे में खुलकर बात की है। उस किताब में अपनी एक एक चीज उन्होंने इसमें दर्ज की है। पप्पू यादव कहते हैं उस किताब के अंदर कि रंजीत को देखकर, उस एल्बम में रंजीत को देखकर वो उन पर फिदा हो गए थे। जेल से छूटने के बाद वो रंजीत से मिलने के लिए अक्सर टेनिस क्लब में पहुंच जाते थे, लेकिन असल रोमांच की शुरुआत वहीं से हुई। पप्पू यादव उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। वहीं दूसरी तरफ रंजीत को पप्पू यादव का टेनिस क्लब आना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार पप्पू को मना किया, लेकिन मामला तो दिल का था, वो भी पीछे नहीं हटे। डटे रहे, लेकिन दिल पिघलने की जगह दूरियां बढ़ने लगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्रेम में अगर कोई नाकाम हो जाए तो ये किसे बर्दाश्त है, और फिर अगर आशिक एक बाहुबली हो तो फिर तो पूछिए मत। पप्पू यादव का दिल टूट रहा था और इसी परेशानी में उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। मोहब्बत की गाड़ी फिर यहां से पटरी बदलती है। पप्पू पर सख्त रंजीत का दिल पिघलने लगता है और उन्हें आखिरकार पप्पू के प्यार का एहसास होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रंजीत के परिवार को पप्पू और रंजीत की ये प्रेम कहानी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रंजीत के पिता ग्रंथी थे, वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। ऐसे में पप्पू यादव हिम्मत हारने लगे थे। तभी वो कांग्रेसी नेता एसएस अहलूवालिया की मदद लेते हैं। अहलूवालिया की मदद से पप्पू यादव रंजीत के परिवार को मनाने में सफल रहते हैं, जिसके बाद पूर्णिया के गुरुद्वारे में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। आज के दौर में पप्पू यादव और रंजीत रंजन दोनों सांसद हैं और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बाहुबली की ये प्रेम कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों के लिए आप बिहार तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।